शहादत जो कर रहा है वो सही है नहीं है उसको जज करना बड़ा मुश्किल है जी, मुश्किल है मगर बड़ा मुश्किल नहीं है। हम जिंदगी सुबह से शाम तक जज ही करते रहते हैं, क्या है वो चरवाहे को लोग जज कर लेते हैं ना, हम जहां जॉब करने जाते हैं उसको भी जज कर लेते हैं, हम जिसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं अपने कारोबार में उसको जज करते हैं कि नहीं करते हैं। हम यहां जज करना नहीं चाहते आसिफ साहब, मुश्किल है, हम इसको अहमियत ही नहीं देते हैं। जितना ध्यान जितना तवज्जो हम देते हैं अपना बिजनेस पार्टनर के लिए, किसके साथ हमको पार्टनरशिप करना है, ध्यान देते हैं। एक मकान खरीदने जाते हैं तो अच्छी तरह से खंगालते हैं, देखते हैं, सारा काम करते हैं। एक ड्राइवर भी अपने यहाँ रखना चाहते हैं तो 10 आदमी से पूछते हैं, सवाल करते हैं, भाई आदमी कैसा है, तब जाकर के उसको अपनी गाड़ी के हवाले करते हैं, तो नहीं कर देते हैं। मुश्किल नहीं कर रहा, आसान काम, मुश्किल काम तो है मगर बहुत मुश्किल काम नहीं है, नामुमकिन में से नहीं। पहली बात तो एक वाकई हमारा समाज इस बात को समझ ले कि हमें लीडर की जरूरत है। जिस तरह से ऑक्सीजन के बगैर फर्द जिंदा नहीं रह सकता है, उस तरह से लीडर के बगैर समाज जिंदा नहीं रह सकता है। फर्द की सेहत अगर सालिम पानी पर मौकूफ है, गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा, फर्दी सेहत हमारी तबाह हो जाएगी ना। इज्तमाई जिंदगी, इज्तमाई सेहत भी मौकूफ है सालिम कायद के ऊपर। सालिम कियादत अगर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। हम तकल्लुफात में कायद बना देते हैं, ये हमारे दोस्त हैं मौलाना तारिक साहब, दोस्ती है 25 साल से दोस्ती है ये इसके साथ। नाम आए किसको साहब, वहां बताए जी मौलाना तारिक साहब, मौलाना तारिक साहब ने बेटा सही साहब की दोस्ती जी, अस्करी साहब, अस्करी साहब की सलाहियत है कि नहीं है, हैं इस काबिल, फिर तकल्लुफ की क्या बात है भाई। हमारे दूसरे मसाइल में तकल्लुफ करते हैं, अगर आपको बिजनेस पार्टनर ढूंढना हो तो हम आपको तो नहीं इंतखाब करेंगे चाहे कितनी हमसे आपको किदत हो। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो गई है, इलाज कराने हमारे पास आएंगे आप, तकल्लुफ करते हैं सिलसिले में। हम नहीं, अब अस्करी साहब से 25 साल का ताल्लुकात है, अब इनको छोड़ के डॉक्टर फला के पास तो नहीं जाएंगे, नहीं अस्करी साहब को पूछेगा भी कोई नहीं भाई। ये यहां पहले हम इसकी जरूरत को समझ लें, क़यादत के बगैर समाज जिंदा ही नहीं रह सकता। मौला फरमाते हैं अन्नहु लाबुद्द लिन्नास मिन अमीरिन बर्रिन व फाजिर, हर समाज के लिए हर माशरे के लिए कायद की जरूरत है, वो कायद चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जाहिर सी बात है कि अच्छा बुरे की क़यादत की जवाब को नहीं पेश किया जा रहा है, अहमियत है वजूद जरूरत की अहमियत को समझाने के लिए मौला फरमा रहे हैं कायद तो होना ही चाहिए। दूसरे में है कि कायद कैसा होना, तो शरायत से बात बयान किएगा। अहम चीज है कि लीडरशिप अहम है, हर तहरीक के पीछे हमें नहीं भागना है, हर शख्स के पीछे हमें नहीं भागना है। अभी जो इराक में तहरीक चल रही है शियों के खिलाफ, जो ईरान में से कॉन्फ्लिक्ट, मसला ये है कि देखिए खुद इराक हो चाहे हिंदुस्तान हो, मतलब जब शिया हम जो कह देते हैं, हम समझते हैं शिया यानी वन यूनिट सब एक जैसे, मगर हमारे मुल्क सब एक जैसे हैं, हमारे मुल्क सब एक जैसे हैं सारे शिया, इराक में भी ऐसे ही है, दसियों फिरके इराक के अंदर बने हुए, इमाम ज़माना वहाँ आ चुके हैं, इमाम ज़माना के बेटे भी आगे आ चुके हैं, हसन सरखी हैं और कौन है, पूरा एक मूवमेंट चल रहा है ना। कल तक जो इस्तख़बारात का एजेंट था, हिज़्ब अब्बास का एजेंट था, वो आज आयतुल्ला बनकर के मैदान में आया हुआ है, सही हसन मुसवी आयतुल्ला सही हसन मुसवी बनाने में कितनी देर लगती है, 2-3 महीने में दाढ़ी तोड़ी जाती है, 2-3 महीना काफी है ना, 3 महीने में दाढ़ी यहाँ तक आ गई, उसके बाद हमारे का कपड़ा तो बाजार में मिलते ही है, हमारे कपड़ा गए खरीद लिया, बड़ा सा मामा सर पे रख लिया, हो गया आयतुल्ला बन गए। अब वहां कौन जाके इम्तिहान देने जा रहा है, कोई इल्म पूछने जा रहा है, उनका दावे हो गए हमारे यहाँ के आयतुल्ला होंगे। आजकल जो है बाहर चली गई आयतुल्ला, वो आयतुल्ला वो आयतुल्ला जिसको देखो वहां भी हो गया। तो इराक का जहां तक मसला है वहां पर यानी कि शिया, जैसे हिंदुस्तान के अंदर सारे शिया एक जैसे नहीं है, इराक में भी सारे शिया एक जैसे नहीं है, मगर बास पार्टी में शिया नहीं थे, मगर बाकी फौज के बड़े बड़े अफसरान शिया नहीं थे, वजीर खारजा उनका साधु धम्मादी कौन था, और शिया ही तो था, ये सब मर थोड़ी गए, ये सब मौजूद है ना इराक के अंदर। अब इंतशार की फजा में ये लोग तो बाजार पनप ही आते हैं, और जाहिर सी बात उनको माली सपोर्ट
सऊदी अरब से मिल गया, सियासी सपोर्ट अमेरिका से मिल गया, मुस्लिम लोगों से उनके पास सपोर्ट है, हिमायत है, चल रहे हैं। और जब कहते हैं शियों ने हमला कर, शिया क्या मतलब, शियों ने हमला, बोलिए मोहम्मद अस्करी ने हमला कर दिया भाई, गलत फहमी हम लोगों को यही होती है। कौन सा शिया होगा, अभी तो हमला हुआ है, चलो ईरानी कॉन्फ्लिक्ट तो मान भी लेते हैं कि साहब 8 साल जंग हुई है, तो कहीं ना कहीं बोझ नफरत की ना दिल में तो बैठा ही हुआ, किसी का बाप मारा, किसी का भाई मारा गया, चाहे जैसे भी मारा गया हो, मौलाए कायनात के हाथों जो लोग मारे गए थे उनके दिल में मौलाए कायनात का बोझ तो था ना। अब मौलाए कायनात से बेहतर इंसान तो नहीं मिल सकता कहीं भी, वो तो हम मान लेते हैं। अभी जो करबला में अभी दो तीन दिन पहले अटैक हुआ, हमला हुआ है, वो मौके जो वहां लगते थे जुम्मनों के मौके होते थे अदादारों के खिदमत, उसमें आग लगा दी, मवाकिब में आग लगा दी, अब उसे क्या कहेंगे भाई, मवाकिब में आग लगा दी गई। अब्दुल्लाह सिस्तानी के ऊपर अटैक हो रहा है, अब शिया शिया ही नहीं, अमामा पहने हुआ वाला शिया लंदन से फतवे दे रहा है कि मुजाहरा बगदाद में क्या कर रहे हैं, नजफ से आइए मर्जा के घर को घेरिए, मामा शिया का है वो, हाँ कभी ईरान का मामला भी नहीं है, ये भी ईरान का मामला भी नहीं, ईरान का मामला कहा जाए तो वहां पर इराक की सूरत हाल जो है कि खिचड़ी इतनी पकी हुई है, अरब सुन्नी एक तरफ से, कुर्द सुन्नी एक तरफ से, सेकुलर शिया एक तरफ से, मजहबी शियों के अंदर भी अलग अलग फिरके, अलग अलग ग्रोह, अर्शिया इमाम जमाना आ चुके हैं, इमाम जमाना कहीं पे इमाम जमाना है, इमाम जमाना के बेटे हैं, कोई अलग अलग दावती चार गुरु हैं इस वक्त इराक के अंदर, ऑलरेडी मौजूद है, जिंदा सलामत हैं और पूरी उनकी हिफाजत हो रही है, उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पैसा भी है, दौलत भी है, सारी चीजें उनके पास है, तो ये सारे एलिमेंट क्या है ईरान के खिलाफ है, ये सबका सबके माई बाप एक हैं, CIA सबके माई बाप जो हैं, तो सऊदी अरब वगैरह तो किसी को हैसियत ही नहीं है, सऊदी अरब का जो इशारा होगा वो ऊपर से वही करेंगे, अगर सऊदी अरब उनको माली सपोर्ट दे रहा, अमारात आजकल बहुत फुदक रहा है, चटाक भर का अमारात, वो भी जो है वो अमारात का पैसा, सऊदी अरब का पैसा, और उधर से उनको सियासी हिमायत हासिल होकर के हाल बनी हुई इराक के अंदर। एक आदमी साहब बैठे हैं वहाँ और तशरीह करेंगे, सियासी महारत उनकी है, हमारी सियासी महारत तो रही है, जैसे अभी आपने कहा कि कायद का देश करने का अख्तियार आपका है, यानी कि फर्क था कि वो जज करे उसको कि कैसा है, सही है, सही है, और जज की आपने तौर पे इंफरादी तौर पे सही नहीं लगा, ना ही उसमें तहरीक में शरीक हुए, तहरीक कामयाब हो गई, अब क्या कहते हैं, ठीक है, खत्म दर्ज करेंगे, हमने ये नहीं कहा कि अख्तियार आपका है, सिफात तो इस्लाम ने बयान कर दी है, सिफात आपके अख्तियार में नहीं है, हमें तो वो अच्छा लगता है जो हमें हमारी जो है दावतें कर किया करे, मुर्गे खिलाए हमें, हमें वो कायद अच्छा लगता है जो हमसे वादा कर ले कि तहरीक कामयाब होने के बाद ये उल्टा तो दे देंगे, नहीं, शरायत तो वो है जो इस्लाम ने मुहैया की है, हाँ इन शरायत को तशखीस देना आपका काम है, ये शरायत आदमी साहब में पाई जा रही है, आसिफ साहब में पाई, किसमें पाई जा रही है, ये तो आपका अपना मामला है ना, आपको तशखीस आपको देना है, नबी नबी है या नहीं आपको तशखीस देना है, मर्जा मर्जा है नहीं, अब तशखीस कैसे दें, जो तशखीस का तरीका होता है, हम खुद अगर एक्सपर्ट हैं हम खुद तशखीस दे देंगे, वरना एक्सपर्ट से पूछेंगे, हर जगह पर तरीका होता है, हमें इलाज कराना है हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, क्या करते हैं, हम अगर खुद डॉक्टर हैं हम खुद परख लेंगे, वरना लोगों से पूछते हैं कि भाई बताइए अच्छा डॉक्टर कौन है, अच्छा डॉक्टर कौन है, अब इनका सवाल ये कि हमने एक आदमी को तशखीस नहीं दिया, जो शरायत इस्लाम ने बयान किए थे, जो शरायत इस्लाम ने बयान किए थे, हमने कहा वो शरायत मौलाना तारिक साहब में नहीं है, जबकि थे उनके अंदर शरायत, हम नहीं तशखीस दे सके, और तारे साहब ने तहरीक चलाई, तहरीक कामयाब भी हो गई, अब क्या करें, क्या करें, अभी बात वही बाकी रह जाएगी ना, अभी वही पर है, अगर कामयाब होने के बाद आपको ये पता चला कि नहीं हमने गलती की थी, तो जहां से गलती की थी वहां वापस आ जाएगी, तौबा भी इसी का नाम है ना, तौबा फकत खुदा के सिलसिले में गलती का नाम थोड़ी है, चाहे खुदा के बारे में गलती करें, चाहे रसूल के बारे में गलती करें, चाहे इमाम के बारे में, मर्जा के बारे में, अपने महल मुल्क का लीडर, सूबे का लीडर, महल्ले का लीडर, अंजुमन का लीडर,
जहां कहीं भी गलती का एहसास हो गया या हमने किसी को लीडर मान लिया था, बाद में पता चला कि ये नहीं है, इसी का नाम तौबा है। इबादी तौबा भी होती है और सियासी तौबा भी होती है। मजारे सियासत की तौबा है, वहां वापस चले। मर्जा की तरफ से कोई क़यादत अपॉइंट होती है इस मुल्क की क़यादत शियों की ये करेंगे? देखिए अभी तक हमने तो नहीं देखा है कि मर्जा ने किसी को या वली फकीह ने किसी को बनवाने कायद मुआयन, अपना नुमाइंदा तो मुआयन करते हैं, लेकिन नुमाइंदे जो होते हैं हर नुमाइंदा एक जैसा नहीं होता। एक बड़ी गलतफहमी जो होती है वो नुमाइंदा ये मैं भी नुमाइंदा हूँ, वकालत मेरे पास भी आयतुल्लाह खान ने आज की नहीं है, 25 साल पहले ही हमारे पास है, शायद उस जमाने में इक्का दुक्का लोगों के पास जब से हमारे पास, उसका इजहार नहीं करते ना करीब उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर नुमाइंदगी का दायरा जो है महदूद होता है। हमारा दायरे की हद कुछ और है, अवैध मणिपुर के नुमाइंदगी के दायरे की हदूद कुछ और है, लेकिन कोई ऐसा नुमाइंदा अभी तक मेरी निगाह में नहीं आया है जिसे आयतुल्लाह खामनेई ने, आयतुल्लाह सिस्तानी ने मुकम्मल अपना जानशीन बना दिया। कौलहु कौली, फ़िअलुहु फ़िअली, अमलुहु अमली, इनका कौल मेरा कौल, इनका अमल मेरा अमल, नहीं नुमाइंदा ने गरामित की चीज रखी है कुछ मसाइल। अगर बनाने बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे नहीं मालूम कि कहीं ऐसा किसी को बनाया हो, किसी मुल्क में कायद बना दिया हो कि जी मैं अपॉइंटमेंट करता हूँ आपको हिंदुस्तान के लिए, कासमी साहब आपको मैं हिंदुस्तान का कायद बना के पेश करता हूँ, तालिब साहब आप हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाइए, आपको मैं पाकिस्तान का कायद बना के भेज रहा हूँ। हमारे इल्म में नहीं, हो सकता है कि हो, हमारा न जानना न होने की दलील नहीं है। मैं वाकिफ नहीं हूँ किसी ऐसे शख्स से जिसको मर्जा ने या वली फकीह ने, मतलब ऐसे भी किसी को कायद नहीं बनाते, लेकिन हाँ वली फकीह से इस्तेमाल हो सकता है, मगर हमने नहीं देखा कि किसी को कायद बना कर पेश किया। हत्ता सैयद हसन नसरुल्लाह के बारे में भी हमें, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है, सैयद हसन नसरुल्लाह के बारे में भी कोई ऐसा हमारे पास सबूत नहीं है कि उन्होंने कहा कि आप लुबनान में कायद हैं, नुमाइंदे हैं। अब उनकी नुमाइंदगी को मैंने देखा, उनकी नुमाइंदगी की हदूद किया, मगर जिन जिन लोगों की नुमाइंदगी का मैंने लेटर देखा है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई। अच्छा, इसमें जिम्मी सवाल है कि क्या कभी मराजे ग्राम अलग अलग किस्म के उमूर की नुमाइंदगी देते हैं? एक ज़माने में हिंदुस्तान में ही कहा गया था कि सब सियासी उमूर के फला नुमाइंदे हैं, अब वो चेहरे से अमल से बिल्कुल मजहबी नहीं लगते थे लेकिन वो दावा करते थे, मैं नाम नहीं ले रहा। देखिए दावा अलग है और वाकईत अलग है, हमने नहीं देखा किसी को कहा कि हमारे सियासी नुमाइंदे हैं, नुमाइंदगी के लेटर होता है कि हमारे सियासी नुमाइंदे या हमारे फला के नुमाइंदे, दावा एक अलग चीज है। मैंने अर्ज कर दिया 25 साल पहले से मेरे पास आयतुल्लाह खामनेई की वकालत मौजूद है, मैं कभी आप लोगों के सामने हमने पेश नहीं किया कि जी मैं उनका वकील हूँ, मैं फला हूँ। जब आ गए मेहंदीपुर नहीं थे तब्दील, कोई नहीं था, जब कोई नहीं था, मैं संतराम में जब आया तो उस वक्त मेरे पास वकालत उनकी उसी हदूद हैं। मिसाल के तौर पर मैं तसव्वुर करता था कि शायद हक के तलाक मेरे पास है, यानी होता है ना कभी कभी वो मियां बीवी में झगड़ा हो गया और शौहर न बीवी को ढंग से रख रहा है और न तलाक देने को तैयार है, तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ हकीम शरा को अख्तियार होता है कि वो शौहर की इजाज़त के बगैर तलाक जारी कर देगा, साबित हो जाए उसके लिए। मैं समझता था शायद मेरे पास ये अख्तियार है, चूंकि इबारत से लगता था मुझे कि है, कभी कभी से मैंने इस्तेफादा नहीं किया, आज तक मैंने कोई तलाक पढ़ा ही नहीं है, ना ज़बरदस्ती वाला ना जो है हंसी खुशी वाला पढ़ा ही नहीं, मैं तलाक पढ़ते ही नहीं। अभी ऐसे एक मामला आया था कहीं का, अगर सामने के ऑफिस से डेलीगेशन आया हुआ था जहाँ के ऊपर बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग थे, ऐसी बात चली वकालत तलाक की, तो किसी साहब के बारे में बात थी कि वो साहब अगर सामने के बिहाफ पर तलाक पढ़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, हिंदुस्तान में तो किसी को नामा ने अख्तियार दिया नहीं, मैंने कहा कि वो मेरे पास तो वकालत नहीं, उसमें ये अख्तियार नहीं है। बताया इबारत अगर से लगता है तो इबारत है कि जो अख्तियार
مشتہد جامع شرائط، جہاں جہاں مشتہد جامع شرائط کی اجازت ہے وہ سب آپ کو دیے جاتے ہیں، اس میں لکھا عبارت ہے، ان کا مگر طلاق اس میں شامل نہیں ہے۔ ان کا یہ جملہ تھا کہ آغا خامنہ ای نے ہندوستان میں کسی کو یہ حق طلاق نہیں دیا، یہ ان کا جملہ تھا۔ میں چاہتا آغا مہدوی پور کو کہا تھا، آغا مہدوی پور کے پاس نہیں اختیار۔ تو مشہور ہو جانا الگ سی بات ہے اور واقعا وہ ہونا پاور اختیار ہونا ایک الگ سی بات ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا ہے کسی کو انہوں نے سیاسی قائد بنا دیا ہو اپنی طرف سے، مشہور کر دیا جاتا ہے کچھ نہیں۔ ایسے میں عوام کیا کرے، عوام کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ کسی عالم دین کے بارے میں سوال یا بحث کرنا ایک مایوب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ کیوں مایوب بات ہے یہ سوال؟ یہ نہیں کہ پھر یہ غلطی ہماری غلطی ہے بھائی، کسی نے کہا ہے آیا قرآن کی آیت ہے کہ عالموں کے بارے میں بحث نہ کرو، حدیث ہے، مراجع کا حکم ہے، یہ جو محمد عسکری کے جو کیا سنتے رہو۔ اگر دیکھیے گا قادری صاحب، اگر خدا نے، رسول نے، امام نے یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ محمد عسکری جو کہے چپ چاپ سنو، تمہیں سوال کرنے کا اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، تب تو بات بجا تھی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا ہے نا۔ پورا ہمیں اختیار اس بات کا ہے، چھان پھٹک نہیں اختیار ہے، واجب ہے ہمارے اوپر، اچھی طرح سے پہچان لو یہ کون ہے۔ کیونکہ ابھی حدیث میں سنا رہا تھا امام صادق علیہ السلام کی، امام فرماتے ہیں، آپ دیر سے آئے تھے، فرماتے ہیں اگر بکری بھی آپ کے پاس ہوتی ہے تو اپنی بکری ہر چرواہے کو نہیں دیتے، اگر کسی چرواہے کو دے بھی دی اور پتہ چل جائے کہ اس سے بہتر کوئی چرواہا ہے تو اس سے چھین کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ زندگی اللہ نے، بکریاں بھی بہت ساری دنیا میں، زندگی آپ کے پاس ایک ہے، دو زندگی اللہ نے نہیں دیا ہے کہ ایک زندگی میں تجربہ کریں گے دوسری زندگی کو تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے، ایک ہی زندگی ہے، تو چھان پھٹک لو نا کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہاں ہوتا کیا ہے کہ کیا قائد کے اوپر تنقید کی جا سکتی؟ کی جا سکتی ہے، توہین نہیں کی جا سکتی۔ تنقید اور توہین میں فرق ہے، تضعیف نہیں کی جا سکتی ہے، کمزور بنانا اس کو، اسے کمزور نہ بنائیں، اس کی توہین نہ کریں، سوال بالکل کریں، تنقید بالکل کریں۔ اور نصیحت لعامت المسلمین، پورا چیپٹر ہے ہمارے یہاں پیشواؤں کی خیر خواہیوں کو نصیحت کرنا، اور پیشوا معصوم تو نہیں نہ ہے، غلطی تو کر سکتا ہے، خطا کا امکان ہے کہ نہیں ہے، آپ اپنی تجاویز دیں اس کو بتائیں، اس کو بھی چاہیے کہ خندہ پیشانی سے آپ کی بات کو سنیں۔ مولا علی جب حاجب سے منع کرتے کہ حاجب مت رہے بیچ میں، امت اور قائد کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہیے، رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، کس لیے؟ اسی لیے نا کہ اپنی بات ہم کہہ سکیں، معلوم ہوتا وہ حائل ہے ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے، ان سے کہو نہیں تو یہ الٹا سیدھا کر دیتے ہیں۔ آپ کے ایک سوال ہے، کسی کا نفل ہوا تھا، نظام الدین کے قبرستان میں جگہ کوئی خالی نہیں ہے تو وہ دوسروں کی قبر کھود کے دفن کرتے ہیں، تو وہ جائے؟ قبر کھود کے دفن کرنا اگر اس کے آثار ختم ہو چکے ہیں، آثار ختم ہو چکے ہیں اس کے، اگر آثار باقی ہیں، بظاہر میرے خیال میں کہتے ہیں 25-25 سال لگتا ہے آثار ختم ہونے میں، 25 برس اگر قبر کوئی 25-30 سال پرانی قبر ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں کہ حتماً ایسا ہوتا، سنتے ہیں کہ 25 سال میں آثار ختم ہو جاتے ہیں، تب گل گلا کے ختم ہو جاتا ہے، اس میں جنازہ باقی نہیں رہتا۔ نہیں، 2-3 سال میں تو میرے خیال میں آثار باقی ہوں گے، پر حکم جو ہے وہ یہ ہے، میں سال کی بات ہی کرنا چاہتا، حکم یہ ہے کہ جب اس کے آثار ختم ہو جائیں، نفش قبر نہ کہا جائے اسے، نفش قبر، قبر کا کھودنا دوبارہ کسی کی اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کا اعتراف ہے۔ ہم نے جو سنا ہے کہ عام طور سے، پھر اس کا میں کوئی اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں جنازوں کا، لیکن جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ 25 برس لگتا ہے، اگر 25-30 سال پرانی قبر ہو گئی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کس قبر پہ وارثین نہیں آ رہے، خالی گھر کا قبضہ ہو ہی جاتا ہے، خانہ خالی رہ، دیو بھی گرہ، تو آج کل آپ قبر بھی قبضہ کرتے ہیں، مکان لوگ کا لوگ چھین لیتے ہیں، تو جب خدا ترسی ختم ہو گئی ہے، خوف خدا نہیں ہے، تقوا نہیں ہے، انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ حکم ہے کہ 70 یا مردے نکلیں گے تو ایک ہی قبر میں تو دفن ہوں گے، سیکھ نکلیں گے تو 25,000 سال میں اگر دفن ہو گئے تو
25 साल में अगर एक मुल्क आया तो 1000 निकलेंगे, 70 क्यों की बात कर रहे हैं। मैं उसका इनकार तो नहीं कर रहा हूँ, यह कब्र में दूसरे मुर्दे को दफन करने का इनकार नहीं कर रहा, वो भी है 25 साल के बाद वो सूरत में है। अगर किसी की कब्र अपनी जाती मिल्कियत में हुआ है आप वो भी नहीं कर सकते हैं, वरसा की इजाजत के बगैर आप कर ही नहीं सकते, उसके मालिकान हैं। नहीं, एक उमूमी कब्रिस्तान में दफन किया, किसी की मिल्कियत नहीं है। यहाँ जामिया का कब्रिस्तान में किसी की मिल्कियत नहीं है, आम कब्रिस्तान है ना ये, तो वहां पर ये जब तक उसके आसार खत्म न हो जाए, अब चाहे 2 साल में खत्म होते हो चाहे 25 साल में खत्म होते हो, उसके बाद दफन कर सकते। मुश्किल ये है कि देखिए था क्या करें, कब्रिस्तान में अरे घर आपने बना लिया तो कब्रिस्तान क्यों नहीं बनाया। जब घर बनाने चलते हैं 50 लाख का एक फ्लैट खरीद देते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए इसका भी इंतजाम कर लें, मरना भी तो है उसका भी इंतजाम कर लें, जिंदगी का भी इंतजाम कर लिया, मरने का इंतजाम क्यों नहीं करते। खबर नहीं है तो यूरोप अमरीका वालों ने क्या किया, अपनी खबरें खरीद रखी है, जिस शहर में गए उस शहर का कब्रिस्तान खरीद लिया उन्होंने, उनको कोई मुश्किल नहीं होती कहाँ दफन करने में, जबकि वहां के ऊपर कब्रिस्तान के कवानीन सख्त होते हैं, जोन है हर जगह कर भी नहीं सकते हैं, वही जो आम जनरल कब्रिस्तान था उसी में अलाका ले करके उन्होंने अलग कर लिया अपना कब्रिस्तान, पैसे दिए, पैसे खर्च किए, पैसे खर्च करके हमने बना लिया। जब आप इतना गाड़ी में खर्चा कर सकते हैं, कपड़े पर खर्चा कर सकते हैं, घर पर खर्चा कर सकते हैं, इस पर क्यों नहीं खर्चा करते हैं, कब्रिस्तान ही नहीं। कब्रिस्तान लेने को सोचेंगे 100 गज रखेंगे, 100 गज में क्या मुर्दे आएंगे भाई, 100 गज में क्या मुर्दे आएंगे, नहीं सर पैसे कहाँ, पैसे में तो नहीं लोगों के पास पैसे ना हो कितने, तो कम से कम 10,000 शिया ऐसे होंगे जिनके पास अपना घर होगा, है बेचारे किराए वाले भी हैं, झुग्गियों वाले भी हैं, घर नहीं है लेकिन माशाला फ्लैट वाले भी कम तो नहीं है, अपने उगले में देखते हैं कितने लोग हैं, कितने शिया हैं लोगों के पास फ्लैट हैं, और एक फ्लैट 100 गज का फ्लैट अभी हमारे उगला में भी 40-50 लाख से कम का तो नहीं मिलता, तो कब्रिस्तान का इंतजाम करना चाहिए लोगों को। ठीक है, कहीं से फातिहा पढ़ना मना नहीं है, कहीं से भी फातिहा पढ़ना मना नहीं है, कब्र पर तो मसला हो जाता है, तो खुद हमें भी मौत याद आ जाती है कब्रिस्तान जाकर के, बहुत बहुत बड़ा मसला है ना। आज सारा फितना दुनिया में इसलिए अपनी मौत हम भूले हुए हैं, अगर हमें आसिफ साहब की याद रहता कि हमको मरना है तो कभी जालिमों से डरते नहीं, किस चीज से डरते हैं, मौत ही है ना, मौत से बढ़ के तो कुछ नहीं ना है, और कब्रिस्तान में जाके आ जाते हैं मरना तो है ही है भाई, क्या डर क्या है, आज मरे कल मरे क्या परेशानी की बात है, आज इज्जत से मरे या कल इज्जत से मरे, मरना तो हर हाल में है, मरना हर हाल में हमें। एक तो फायदा ये हो जाता है कि इंसान को याद आता है कि मरना है, जब मरने का याद आ जाती है तो थोड़ी देर के लिए सही, बार बार अगर जाते रहेंगे तो बार बार हमें उस बात की याद आती रहेगी। दूसरी चीज ये है कि रूह तो आजाद हो जाती है ना, आप जब कब्र पर आते हैं तो रूह को तो खबर हो गई ना कि आप कब्र पर आए हैं। एक दफा हम आपको यहाँ से बैठ करके कहते हैं आसिफ साहब हमारे घर मस्जिद से आप आइएगा, आसिफ हमारे बेटी की शादी है आप आइएगा, हमारे नाते आप आइएगा, जब आपके घर जाते हैं दावतनामा लेकर, फर्क नहीं है दोनों में, खबर तो यहाँ भी हो गई, खबर वहां भी होगी, आपके घर हम जब गए तो आप उसको अपनी इज्जत अफजाई कर सकेंगे, इज्जत अफजाई कहे आने की क्या जरूरत थी, टेलीफोन से कह देते, ये भी जमला समझो को मिलता है ना, ये अच्छा लगता है कि कोई आया है हमारे घर, मुर्दे को भी अच्छा लगता है कि हाँ हमें याद किया है, हमारे उनके दिल में हमारे कदर है, और यहाँ से भी भेटिंग चला जाएगा वो अधेय का सवाब तो पहुंच जाएगा, शर्त नहीं है, राम हुसैन की ज्यारत जब यहाँ से करते वहां पहुंच जाती है, करबला जाके ज्यारत करें और चाहे यहाँ से ज्यारत करें, है ना, कब्रिस्तान में जाकर के फातिहा पढ़ने की।
اگر سوال نہیں رہ گیا تو خدا بندے متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں ظلم سے لڑنے کی ہمت دے، ظالموں کے چوکھٹ پر جبیسائی سے ہمیں محفوظ رکھے، دل کے کسی بھی گوشے میں ظالم کی ذرہ سا محبت ہمارے دلوں میں نہ پائی جائے۔ جن لوگوں کی طرف سے آج کے اس کا درس کا انتظام کیا گیا ہے ان کے مرحومی کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سماوات و زمین پانچ مرتبہ یہ شریفہ مجید کی تلاوت کر کے بچی کی صحت کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 اللهم اشف كل مريض اللهم اشف مرضانا بحق محمد وآله الطاهرين۔